पता नहीं यार, ये हमारे पीछे क्यों पड़ गए? पुराना पंगा तो नहीं है? पुराना पंगा तो बहुत पुराना हो चुका है, कोई बात नहीं, फिर से खुद लिपटा। बोल बेटा। कोई हम पर अटैक कर रहा है डैड। अटैक? लेकिन वो कौन है? तुम इस वक्त कहाँ हो? पता नहीं, ब्लैक स्कॉर्पियो में है डैड। ब्लैक स्कॉर्पियो? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? हेलो हाँ हेलो, अरे क्या हुआ? अरे चल ना, हेलो भाई, ये लोग तो पीछे नहीं छोड़ रहे भाई। अनु, डैडी को फोन करके यहाँ आने को कहो। ये तो भूपति, तेरे आदमी ने अटैक किया है ना? भाई हमने नहीं किया, ये दूसरे वाले का काम हो सकता है। शिवा भाई, इलेक्शन में तुम्हारे खिलाफ तो मेरा छोटा भाई खड़ा हुआ है, तो आप मेरी फैमिली को क्यों परेशान कर रहे हो? ए, कुछ भी हो तू है तो पॉलिटिशियन ही ना, पोल खुल गई तो अपने आप को बचाने के लिए मस्का लगाने की कोशिश कर रहा है? मुझे कुछ नहीं पता भाई। ए, तो कौन है वो? क्या हुआ भाई, धुआं क्यों निकल रहा है? ओ नो, इंजन में आग तो नहीं लग गई? इंजन यहाँ होता है। लेटेस्ट गाड़ी की यहाँ होती है? शिट, बैटरी डेड, अब क्या करें? दिवाली 3 महीने पहले आ गई। लगता है आगे कोई गांव है, वहां जाकर देखते हैं। या वहां तक पहुंचेंगे कैसे? अरे यार, जैसे तू मेरी जान है वैसे गाड़ी भी मेरी जान है, तू गाड़ी संभालना, हम जल्दी आ जाएंगे। अच्छा। ओके ए, ए, भाई तू मुझे अकेला छोड़कर जाएगा तो नहीं? तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है? मेरी कसम खा। बड़े भाई? हाँ भाई। कार के लिए तू वापस आएगा ना? डाउट है क्या तुझे? तू यही रहे? देख भाई, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आते समय एक वड़ा पाव ले आना। यहाँ कौन है? कब से कंट्रोल करके बैठा था, दम लगा के हाई सा, जोर लगा के हाई सा, दम लगा के जोर लगा के दोनों लगा के हाई सा, ढिंक चिंका ढिंक आओ। बड़े भाई, संदीप भाई, अरे वाह क्या बात है, इतनी जल्दी आ गए? भाई तू गाड़ी के पीछे छुप के क्यों बैठा है? मुझे डरा रहा है? बड़े भैया, बड़े भैया, मैंने पकड़ लिया। माफ कर दे भाई, मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे टी शर्ट को तू अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा है? अरे अबे अबे, तुझे क्या चाहिए यार? वो फल चाहिए? नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? ऑरेंज चाहिए तुझे? ऑरेंज वो भी नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए यार? इसका इसका क्या मतलब है यार? गिटार बजाना चाहता है तू? तुझे संगीत से बहुत प्यार है क्या? अरे बाप रे, ये बात है, पहले नहीं बता सकता था।
संगीत से प्यार करने वाला ऐसा भालू जंगल में मिलेगा मुझे पता नहीं था। तेरी ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा। इस जंगल का तुझे रॉकस्टार नहीं बनाया तो मेरा नाम बदल देना। चल। संगीत का पहला पार्ट शुरू होता है सारे गामा पाधा निशा से। इसी से दुनिया का सारा संगीत बना है। तू टेंशन मत ले, तुझे दुनिया का सबसे बड़ा गुरु मिला है। सुर लगा रहा हूं तो यहां वहां घूर रहा है बेवकूफ कहीं का। ध्यान लगा के मुझे सुन, कॉन्सेंट्रेट। चल अब गा। मैं तो अपना सुर भूल गया। क्या भंगार गाड़ी की तरह घर घर कर रहा है। ठीक से सुर निकाल, संगीत में बहुत साधना की जरूरत होती है। तो इसे मजाक समझ रहा है। अबे मैं तुझे सुर सिखा रहा हूँ और तू अपने गुरु के ऊपर गुर्रा रहा है। फिर से ध्यान दे, मैं तुझे सिखाता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। टाइम वेस्ट क्यों किया मेरा? चल दूसरा तरीका अपनाते हैं। चांदनी रात में चांदनी चौक पर चांदनी की चम्मच से चांदनी चाची ने चकोर चाचा को चट्टी चटाई। क्या रे, इससे अल्फाज साफ होते हैं। शास्त्रीय संगीत तुझे पल्ले नहीं पड़ता और तू इस जंगल का रॉकस्टार बनना चाहता है। हलवा समझता है क्या? गुरु की बेइज्जती कर रहा है। मेरा श्राप है तुझे कि तू कभी आकार भी नहीं पकड़ पाएगा। चुप। सुबह सुबह उठ करके गार्गल किया कर। तुझे पता है तेरे मुंह से कितनी बास आ रही है। चल फिर शुरू करते हैं। Ni sari ma pa ni sari ni ri ri sa ni pa ma pa ni sa ni pa ma ri ma ri ni sa. Chal ab tu ga. अबे किसी को मत बोलना कि मुझसे सीखा है। मेरा नाम खराब करेगा, हाँ? मेरा नाम खराब करेगा। कैसे सिखाऊं तुझे? कैसे 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 कैसे? तेरे गले में सुर है कि बांस है? मन तो करता तुझे पानी में फेंक दूं, मगर दया आ जाती है मुझे। एक बात तो समझ ले, तुम्हारा गाने की बात की ना तो ये पत्थर उठा के तेरे सर पे मार दूंगा मैं। तूने मेरे पूरे सुर की दुर्गति बना दी। माना कि संगीत सीखने में लोगों का पूरा जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन तू कम से कम दो सुर तो लगा सकता था। तूने मेरा दिल तोड़ दिया। दिल तो करता है कि तेरी गर्दन तोड़ दूं मैं। अब बहुत हो गया, अब तुझे मैं नहीं सिखाऊंगा। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मैं तेरा टीचर नहीं बनूंगा। नहीं बनूंगा। पैर छोड़ मेरा, पैर छोड़। अबे मेरी पैंट छोड़, पैंट फट जाएगी। बेसुरा कहीं का। चार्ज कर लूं? 200 रुपए लगेंगे मैडम। चार्जिंग का चार्ज लगता है? हमें करंट फ्री में नहीं मिलता है। क्यों भाई साहब, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी लेके ऐसी बात क्यों करते हो? अरे बाप रे, ये तो मेरा भी बाप निकला। अब चार्ज कर लीजिए। कोई अगर मुसीबत में हो तो उसे मना नहीं करते। हाय डैड। तुम ठीक तो हो बेटा? तुम कहाँ हो? तुम बस वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। ओके डैड, बाय। शैल वी गो? तू मेरी प्यारी बेटी है ना, चल बाहर आ जा, हम मिलकर फटाके फोड़ेंगे। मैं नहीं आऊंगी। गुड़िया, मैं तेरे पापा को शिकायत करूंगी। हाँ, उस बच्ची का बाप फौज में था। बच्ची को नहीं पता कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। रोज इसी तरह अपने पापा का इंतजार करती है। अरे बेटी, तेरे पापा यहाँ नहीं है। पापा बाद में आएंगे। कृष्णा जी का घर यही है। मिलिट्री ऑफिसर कृष्णा जी की वाइफ आप ही हैं और उनकी बेटी श्रावणी, जो क्यूट है, भोली है और बहुत प्यारी है, उसके लिए ये सामान भेजा है उसके पापा ने और कहा कि दिवाली में आऊंगा, अगर उसमें नहीं आ सका तो श्रावणी के बर्थडे पर जरूर आऊंगा। श्रावणी का गुस्सा ठंडा करने के लिए बर्थडे की पूरी तैयारी कर चुके हैं वो। चलो ठीक है, नहीं चाहिए तो मैं वापस ले जाता हूँ। अंकल, वो क्यूट वाली बच्ची मैं ही हूँ। हाँ, ये सब मेरे लिए। अगर और भी चाहिए तो मिलेगा। ओके ओके। Okay.
लगाओ तुम्हारे डैडी कहां तक पहुंचे? मुझे लगता है कि तुम्हारे डैडी का फोन टैप हो रहा है। What? टैप हो रहा है? I think that must be in danger. तुम्हें मुझ पे भरोसा है? Come on, of course I trust you. तुम्हें तुम्हारे डैडी तक सेफ पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। जल्दी फोन करके ये पता लगाओ कि वो कहां तक पहुंचे। आपका फोन टैप करके मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। तुम्हें मारने की? Yes, Dad. उसका नाम भवानी है। भवानी? मेरी बेटी आ रही है, ये बात समझ में नहीं आता, उसे कैसे पता चली? मैंने बताया। तूने? तूने उसे क्यों बताया? सरप्राइज। तुमने कहा था तुम्हें सरप्राइजेस पसंद है और उसे अनुपूर्णा के पास जाने से रोकना था, तो दोनों काम हो गया। अनुपर जो अटैक कर रहा है वो मेरी पहली बीबी का लड़का है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल यही भुगतना होता है। मैं बुढ़ा बुढ़ी पर अटैक करवाना चाहता था तो सीधा बच्ची पर ही अटैक कर रहा है। बड़े भैया, तुम्हारी ही गलती है। खून चाहे अपनों का बहे या फिर गैरों का, बेकार में खून बहाना ही गलत है, गलत है, गलत है। भवानी लाइन पर है, बात करो उससे। बोलो मामा। ए, मामा नहीं बोल रहा हूँ, तेरा बाप बोल रहा हूँ। डैडी डैडी। ए छोटे, तुझे पता है तू किस पर हमला करवा रहा है? तुझे पता है वो तेरी बहन है? ये आप क्या कह रहे हो डैडी, सच में? हाँ। बेचारे मेरे डैडी, मैं अपनी बहन को मारने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर आपने उसे बचाने की कोशिश की तो मैं आपको भी मार दूंगा। इधर ये बचाने की बात कर रहा है, उधर वो मारने की बात कर रहा है। अन्नू बेचारी तो फरार है और इस चक्कर में ये मुझे पीस रहा है। ए, टाइम आएगा तो मैं भी नहले पे दहला मारूंगा